सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टंग। तो बेटे आपको एक बहुत हैरानी की बात आज हम बताते हैं कि जो ये हमारी टंग है इसमें टेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा और आप अब इसको ट्राई कीजिएगा। कैसे, देखो ये हमारी टंग है, ये इसका टिप है, ठीक है, जो अधिकतर दांतों को टच करता है ना, वो वाला पोर्शन टंग का हम टिप कहेंगे। और ये जो बेस है, जो माउथ से अटैच है, ये बेस है। अब ये जो हमारा टंग है इसके डिफरेंट पार्ट हैं और डिफरेंट पार्ट्स पे इसमें टेस्ट बड होता है बेटा। जब आप और बड़े हो जाओगे तो साइंस क्लास में आपको टेस्ट बड्स के बारे में पता चलेगा। तो हमारे इस टंग के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं और वो अलग अलग टेस्ट को महसूस करते हैं, या उसका वर्क होता है अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। अब जो हमारी ये टंग है, इसका जो ये बेस है, यहाँ पे कड़वा, कोई भी कड़वी चीज़ है वो हमें यहाँ महसूस होती है टंग के बेस में। अब कोई भी चीज़ खट्टी है बेटा, सौर मीन्स खट्टा, तो कोई भी चीज़ खट्टी है वो हमें टंग के इस हिस्से में महसूस होती है। आप एक्सपेरिमेंट करो अपने टंग में, इन हिस्सों में ऐसे चीज़ों को लगा के देखो जिनका ये टेस्ट है, और फिर महसूस करो आपको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं। देन ये जो हमारा एरिया है टंग का, यहाँ पर हमें नमकीन चीज़ फील होगी, जो चीज़ नमकीन होगी वो यहाँ फील होगी। और ये हमारा टंग का जो टिप है, दिस टिप, इस टिप में आपको मीठा, कोई भी मीठी चीज़ है वो फील होगी। तो हमें ये नहीं पता था कि जो इतना सारा टेस्ट है, खट्टा, मीठा, कड़वा, मिर्ची, ये अलग अलग एरिया होता है टंग का और वहाँ पे हमें ये महसूस होता है। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट करना और इस वीडियो के एंड में मुझे लिख के भेजना कि ये बात सही है या आप लोगों को कैसे लगा। राइट, चलिए नाउ हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनका क्या टेस्ट है। बताइए केक का क्या टेस्ट होता है? स्वीट। चिप्स का बेटा? सॉल्टी, नमकीन। समोसा सॉल्टी, नमकीन होता है ना। आइसक्रीम स्वीट, मीठी होती है। जूस सौर, खट्टा भी हो सकता है, स्वीट मीठा भी हो सकता है, आप स्वीट एंड सौर भी कर सकते हो, मीठा और खट्टा। चॉकलेट स्वीट मीठा। पिज़्ज़ा सॉल्टी नमकीन, स्पाइसी भी हो सकता है बेटा, मिर्च भी हो सकती है उसमें। पफ्स, पफ्स हमारे सॉल्टी। सो इन चीज़ों का आप यहाँ पे टेस्ट लिखिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे नीचे लिखिएगा ज़रूर कि आपने कौन सी चीज़ खाई और आपको कैसा वो जो टेस्ट वो कहाँ पे फील हुआ। थैंक यू।